नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं श्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाला साहेब ठाकरे को किया अभिवादन। मुख्य सचिव को जिला कलेक्टर से लगातार संपर्क करने के दिए निर्देश। नागपुर शहर में अंबाझरी झील हुई ओवरफ्लो, लगातार हो रही बारिश से नदी उफान पर। और पारशिवनी, नवेगांव, खैरी और पेंच बांध में 85% पानी, नदी किनारे के गांव व नागरिकों को अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री शिंदे ने आज दादर शिवाजी पार्क स्थित स्मारक पर आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को अभिवादन किया। इस समय उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य में बारिश से पैदा हुई आपात स्थिति पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों से संपर्क और समन्वय रखा जा रहा है। राज्य के मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव से चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य की स्थिति के संबंध में लगातार समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अगर ऐसा समय आता है तो आपातकालीन नियंत्रण प्रणाली द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब तक जिन्हें स्थानांतरित किया गया है, जिला कलेक्टर को उन्हें भोजन और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। चंद्रपुर जिले के विरूर थाने की टीम का बहादुरी भरा प्रदर्शन सामने आया है। चिंचोली नाले में बाढ़ प्रभावित बस से 35 यात्रियों को बचाया गया। पुलिस ने अंधेरे में बचाव अभियान शुरू कर इन लोगों की जान बचाई है। मध्य प्रदेश से एक शॉर्टकट के रूप में एक निजी यात्रा बस राजुरा तालुका में चिंचोली के रास्ते हैदराबाद जा रही थी। पुलिस टीम द्वारा सड़क बंद होने की सूचना देने के बाद भी बस चालक ने बस को आगे बढ़ाया। सुबह करीब 5:30 बजे बस बाढ़ के पानी में फंस गई और यात्रियों की जान को खतरा था। सूचना मिलते ही विरूर थाने की टीम ने सहायक पुलिस निरीक्षक राहुल चव्हाण के नेतृत्व में अंधेरे में बचाव अभियान शुरू किया। स्थानीय लोगों की मदद से विशाल जलधारा में भी पुरुषों ने रस्सियों को बांधकर वृद्ध, बच्चों व महिलाओं को बाहर निकाला। वह दूसरी बस में सवार हुआ और हैदराबाद के लिए रवाना हो गया। बस अभी भी बाढ़ के पानी में फंसी हुई है। चंद्रपुर पुलिस के कार्य की सराहना की जा रही है। नागपुर के संविधान चौक में आज बुधवार दोपहर 3 बजे आम आदमी पार्टी की ओर से आंदोलन किया गया। महाराष्ट्र में नवनिर्वाचित सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाकर महंगाई की मार झेल रहे लोगों को भारी आर्थिक झटका दिया है, इसीलिए राज्य सरकार के जनविरोधी फैसले के खिलाफ यह आंदोलन किया गया। इस वक्त बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। गेल्या काही दिवसापूर्वी ईडी सरकार महाराष्ट्रामध्ये बनलं, एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस, आणि ईडीच्याच धाकाणी महाराष्ट्रामध्ये सरकार बनवलं गेलं आणि इलेक्ट्रिक ड्युटी वाढवून त्यांनी जनतेची लूट चालू केली आहे। एकीकडे मंत्रिमंडळ बनायचं आहे असं असताना महाराष्ट्रातील जनतेवर 20% बढोतरी करणे विजेचे दर, हे महाराष्ट्राच्या जनतेची लूट आहे। आणि जेव्हा कोरोना चालू होता, महाविकास आघाडीचं सरकार होतं, फडणवीस विरोधात होते, तेव्हा त्यांनी राज्यभर त्यांच्या नेतृत्वात आंदोलन केले होते की वीज दर वाढ कमी करा, वीज स्वस्त वीज द्या महाराष्ट्रातल्या जनतेला। जेव्हा एकीकडे तुम्ही विरोधी पक्षात होते तेव्हा विजेचे दर कमी करा म्हणून आंदोलन करता, आता सत्तेवर आले आहे, एकीकडे देवेंद्रजी आहेत, दुसरीकडे एकनाथ शिंदे आहेत, आमची विनंती आहे की यांनी जे 20% वीज बढोतरी केली आहे ती कमी केली पाहिजे, मागे घेतली पाहिजे, CAGचं ऑडिट करून 2.5 रुपयाची वीज महाराष्ट्रातल्या जनतेला 15 ते 20 रुपये जे विकत आहेत, सावकारी करतायत, हे सावकारी बंद झाली पाहिजे। आणि दिल्ली सरकार जसं 200 युनिट, आता पंजाबमध्ये 1 जुलैपासून 300 युनिट मोफत देण्याचं चालू केलं आहे, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातसुद्धा 200 युनिट महाराष्ट्राच्या जनतेला मोफत वीज दिली पाहिजे। ह्या मागण्या घेऊन आज आम्ही राज्यव्यापी आंदोलन केलं आहे। नागपूरलासुद्धा मोठ्या प्रमाणात पाऊस असताना आमच्या कार्यकर्त्यांनी, आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलन केलं। जेल भरो आंदोलन आजचं आमचं होतं आणि आत्ता हे आंदोलन
तुम्हाला दिसते आहे इथे। जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाहीत तोपर्यंत आम्ही आणखी आमचं आंदोलन तीव्र करत जाऊ। नागपुर में लगातार हो रही बारिश से अंबाझरी झील ओवरफ्लो हो गई है। बीती रात हुई भारी बारिश में अंबाझरी तालाब ओवरफ्लो हो गया है और इस तालाब के पास बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। जिले में हो रही बारिश से शहर के खोखले इलाकों में भी पानी जमा है, जबकि नदी उफान पर है। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। फिर से स्वागत है। पुसद में शमशान का शेड जलती हुई लाश पर गिरा, लेकिन इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, जबकि शेड के अचानक गिरने से लाश क्षत विक्षत हो गई। ग्रामीणों ने इस पर नाराजगी व्यक्त की है। आज कब्रिस्तान का सीमेंट शेड जलती हुई लाश पर गिरा, शेड के अचानक गिरने से लाश क्षत विक्षत हो गई, तो ग्रामीणों ने केवल एक ही नाराजगी व्यक्त की। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। घटना पुसद पंचायत समिति के जमशेदपुर की है। जमशेदपुर निवासी मधुकर शर्मा आड़े का 11 जुलाई को निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार 12 जुलाई को सुबह 10 बजे किया गया। शवों का अंतिम संस्कार करने के बाद शमशान घाट के बाहर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। उसी समय शमशान घाट की पूरी पटियाल अचानक लाश पर गिर पड़ी। पुसद पंचायत समिति के तहत निम्बी के बाद जमशेदपुर में आग लगने की ये दूसरी घटना है। क्या 3 साल पहले भ्रष्टाचार के कारण निर्माण ढहने के बाद फर्जी निर्माण ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी? इस बात ने सबका ध्यान खींचा है। वीकेबी न्यूज के लिए यवतमाल से अजित महिंद्र की रिपोर्ट। गोंदिया जिले में मूसलाधार बारिश से 8 तहसील ग्रामों में अतिवृष्टि हुई है। अनेक रास्ते बंद हो गए हैं, जिसमें गोंदिया तिरोड़ा मार्ग तथा आमगांव मार्ग भी बंद हो गया है। शहर के गौशाला वार्ड, भीमनगर, सुंदर नगर, सिंगल टोली, कस्तूरबा वार्ड, सूर्या टोला, सावला टोली, गौतम नगर, गोविंदपुर, इन इलाकों में पानी जगह जगह घरों में घुस गया है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हमारा जीना मुश्किल है, सोना जीना सब मुश्किल है। पूरा घर के अंदर से पानी फेंकते हैं, सोने के लिए जगह नहीं है। मेंबर लोग आते जाते हैं, बैठ के जाते हैं, बस हो गया, फिर कुछ कर नहीं पाते। और इतना मुश्किल कि हमको खाना बनाने की भी दिक्कत है, खाना भी नहीं बना सकते। लोगों के घर से खाना, कितने दिन खाना बनाएंगे, कितने दिन खाएंगे हम? नहीं, इतना कीचड़ भर गया है कि वो पानी हम ऐसे गंदगी से पानी पी रहे हैं। ये बोरिंग का कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना। ऐसे मेंबर लोग हैं, फक्त वोट के लिए तैयार हो जाएंगे और ऐसा ध्यान नहीं देते, देखते जा रहे हैं और पूरा संडास का पानी पी रहे हैं हम तो। ऐसा हमारी दिक्कत है कि मरेंगे हम लोग।
ऐसा पानी पी पी के परेशानी हो गए। बोल के परेशान है कि यहाँ पे नाली बनाओ, मैं तो कुछ ध्यान नहीं दे रही। और यहाँ के प्रभाग क्रमांक 7 के जितने भी मेंबर है, हाँ, कोई ध्यान नहीं दे रहा। म्यूनसिपैलिटी में सीओ को कई बार अप्लीकेशन दे दी है, सीओ अधिकारी को बोलता है कि हाँ हो गई है, अधिकारी यहाँ पे कोई आंखें झाँक के नहीं देखता और ना सीओ झाँक के देख रहा है। अगर मेरा जीना हराम है, मेरे घर में पानी घुस रहा रात भर, मेरे छोटे छोटे बच्चे, तो मैं भी नगर परिषद में जाके ताला मारूंगा। फिर कलेक्टर आएगा, जब भी मैं कलते चाबी दूंगा। ये ऐसी ऐसी बातें अधिकारी ध्यान नहीं देते। 60,000 रुपये इनकी तनख्वाह है, ये सीधे ऐसी में बैठे रहते, काम कुछ नहीं करते। इनके ऑफिस से सभी चीज़ कलते उठा देना चाहिए और नगर परिषद में ताला मार देना चाहिए। पारशिवनी तालुका में कुल 375.25 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि नवेगांव खैरी पेंच बांध में 85% पानी है। नदी किनारे गांवों पर नागरिकों को अलर्ट भी किया गया है, साथ ही राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों ने प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया है। पारशिवनी तालुका में भारी बारिश के कारण नदियां और नाले उफान रहे हैं और आदिवासी क्षेत्रों और पेंच नदी के किनारे रहने वाले लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दी गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण रविवार तक आमदी संभाग में 375.1 मिलीमीटर, पारशिवनी मंडल में 422.3 मिलीमीटर, नवेगांव खैरी मंडल में 342.4 मिलीमीटर और कन्हान संभाग में 261.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके चलते नरहर और बनारा गांव का संपर्क टूट गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण नवेगांव खैरी पेंच बांध 85% से ज़्यादा पानी से भर गया है और रविवार सुबह पेंच बांध के 16 में से एक गेट खोल दिया गया है। वीकेबी न्यूज के लिए मौदा से रोहन मेहर की रिपोर्ट। नांदेड़ जिले के मुदखेड़ के पास सीता नदी में आई बाढ़ में 2 लोग बह गए। घटना देर रात की है, उनमें से एक को रात में और दूसरे को SDRF की टीम ने सुबह तड़के रेस्क्यू किया। दोनों उस रात दोपहिया वाहन से घर लौट रहे थे और बाढ़ के पानी में बह गए। पिराजी शिंदे बाढ़ के पानी से बाहर आए, लेकिन सावला शिंदे पेड़ के सहारे रात गुजारी। सुबह SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर सावला को बचा लिया। मुदखेड़ येथील नांदेड रोड वरील घटना, मुदखेड़ ते नांदेड़ जो इथे पूल आहे, या पुलावर रात्री पावसामुळे पाणी होतं आणि या पुलावरून रात्री 2 बाईक्सवर वाहून गेलेले आहेत। ते सदरची बातमी आम्हाला 9:30 ते 10 समजली, त्यावेळेला मी आणि माझे सहकारी होंडे साहेब आम्हाला बातमी मिळाल्यानंतर आम्ही इथे सर्वप्रथम आलो, नंतर तहसीलदार साहेब नरहरी सर आणि त्यांची टीम आणि नागमोड साहेब तिकडून नांदेडवरून आले आणि NDRFची टीम ही रात्री इथे कार्यान्वित झाली। त्यानंतर आमचे SDM कंधारे साहेब रात्री आले आणि त्यांनी स्वतः गाडीला दोर बांधून अर्ध्या भावापर्यंत जाऊन रात्री त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु रात्री अंधार असल्यामुळे ती काही कारवाई सक्सेस होऊ शकली नाही। त्यामुळे रात्रभर ते कारवाई केली आणि आम्ही कारवाई स्थगित केली। नंतर सकाळी 6 वाजल्यापासून नंतर रेस्क्यूचं ऑपरेशन चालू केलं आणि आता हे दोघंच्या दोघं सुखरूप बाहेर काढलेले आहे। किती व्यक्तीमध्ये गेलेली माहिती भेटली सर? सर 2 व्यक्ती गेल्या होत्या, 2 वेगवेगळ्या मोटरसायकलवरून 2 व्यक्ती गेल्या होत्या। एक शर्मा म्हणायचे होते, जे की रेल्वेमध्ये हे आहेत कर्मचारी आहेत, ते नांदेडवरून येताना पाण्यात वाहून गेले। त्यांच्यासोबत आम्ही रात्री 11 वाजता माझं स्वतःचं बोलणं झालं होतं की ते लिंबाच्या झाडाला धरून तिथं थांब होते, परंतु ते प्रवाहापासून 150 मीटर आत होते आणि रात्री ते कर त्यांना काढणं शक्य झालं नाही, त्यामुळं आम्ही सकाळी त्यांना सुखरूप बाहेर काढलेलं आहे। आणि याच्यानंतर सर आता ही परिस्थिती 2 दिवस अशीच असेल तर प्रशासनाच्या वतीने काय इथं सुविधा केली? प्रशासनाच्या वतीनं आता ही अतिवृष्टीचा हे आहे सर, त्यामुळं प्रशासनाच्या वतीनं एवढंच माझं सांगणं आहे की या पावसाच्या ह्याच्यात कोणी डेअरिंग करू नये, पाण्याच्या ह्याच्यात जाऊ नये आणि आपल्या स्वतःच्या जीवाची काळजी घ्यावी आणि सुखरूप घरीच राहावं। या ठिकाणी पोलीस प्रशासन, नगरपालिका, तहसील कार्यालय येथील सर्व कर्मचारी रात्रीपासून उपस्थित होते का? हो, पोलीस प्रशासन, नगरपालिकेचे कर्मचारी, पुन्हा NDRFची टीम, सर्वच टीम आमच्या इथे रात्रीपासून या माननीय कंधारे साहेब SDM साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि माननीय तहसीलदार साहेब नरहरी साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली रात्रीपासून हे ऑपरेशन चालू आहे। तो VKB न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना है, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।